बांसेर की जिला इकाई द्वारा भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती छोटा पंचगढ़ स्थित मूल निवासी बलदेव उरांव के आवास पर मनाई गई, जिसमें बांसेव और इसके सभी विंग सहित मूल निवासी की भागीदारी रही। वहीं नवीन यादव नास्तिक मूलवासी ने कहा कि भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का शिक्षा के महत्व व सावित्रीबाई फूले के बारे में बताते हुए लोगों को कहा कि पौराणिक काल में शिक्षा का बेहद अभाव था, पुरुषों को तो फिर भी थोड़ी बहुत शिक्षा मिल जाती थी पर नारियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। यहाँ तक कि उन जमाने में नारियों को शिक्षा प्रदान करने की बात कोई सोच भी ले तो उसे विद्रोह माना जाता था। ऐसे में सावित्रीबाई फूले एक अवतार लेकर आईं और उन्होंने शिक्षा को भारत में फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें उनको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। सावित्रीबाई को अक्षर का ज्ञान ज्योतिबा फूले ने करवाया था। आज उनकी मेहनत पूरे भारत में असर देखने को मिल रहा है। दिनांक 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और जिनके द्वारा पहली बार भारत में महिला शिक्षा को एक नया रूप दिया गया और नया शुरुआत किया गया, उनकी जयंती साहेबगंज की धरती पर, इस ऐतिहासिक धरती पर पहली बार यहां हम लोग छोटा पचगढ़ में हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी सारे मूल निवासी साथी, हमारे समता समानता पर आधारित और महिलाओं से लेकर सभी लोगों को बराबरी का हक दिलाने पर आधारित जो समाज चाहते हैं वो सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज हम लोग इसका शुरुआत किए हैं और आने वाले समय एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। जय भीम, जय मुल्ला। R9 भारत के लिए सहिंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहेबगंज, झारखंड।